Welcome to the drama company. मैं हूँ शंभु दादा. आप सोच रहे होंगे कि ये शंभु दादा कौन है? ये जो ड्रामा कंपनी है, ये हमने बनाई है. बहुत ही निकम्मे लोगों के साथ. ये हर हफ्ते आपके सामने एक नाटक पेश करेगा. ये कोशिश करते रहते हैं और वो कोशिश इस कदर है कि मैं आपको यकीन दिला सकता हूं ये गलती करेगा करेगा करेगा. मैं बुलाना चाहता हूं सुगंधा. शंभु दादा. अरे नमस्ते नमस्ते. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं. तैयारियां सब एकदम टिप टॉप? बिल्कुल एकदम तैयारियां. और दादा मैं तो कहती हूँ हमने इतनी तैयारी की है कि आप में से किसी ने भी ऐसा नाटक कभी नहीं देखा होगा. अभी टाइम खराब मत कर. हाँ. चालू कर डरा. ठीक है मैं चलता हूँ. शंभु दादा की जय. बात पते की, बात पते की, लाख टके की. एक था राजा, नाम था अकबर, करना चाहता था वो डांस, लेकिन अनारकली ने उसका भरी सभा में किया उपहास. अकबर ने गुस्से में अनारकली को दी सजा, लेकिन सली ले रहा था अनारकली के साथ रोमांस का मजा. बाप और बेटे के बीच होने जा रही है जंग, और इस जंग का मजा लीजिए आप सब हमारे संग. लेकिन इससे पहले कि हम अपने नाटक का आपके सामने करें आगाज, मैं बता दूं कि यहाँ आ रहे हैं चार चांद लगाने टाइगर निधि और नवाज. क्या कर रहा है? चलो यहां से. पूरा गाना बजाएगा क्या? अरे क्या साउंड सिर्फ इधर इधर से आ रहा है, इधर इधर से नहीं आ रहा है महाराज. हाँ निकाल कि... हम हैं बादशाह जलालुद्दीन अकबर, और यह है हमारी सल्तनत. हमारे सामने जो भी आ जाए उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं. दुश्मन सेना अगर सामने आ जाए तो उनकी तलवारें मयान के अंदर चली जाती है, और यहां से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, वरना ये तो गब्बर का डायलॉग बोल दिया मैं, वरना अकबर आ जाएगा. हम शूरवीर के खानदानों से हैं. हमारे चाचा जी इतने बड़े शूरवीर, मगरमच्छ का तालाब था उसमें कूद पड़े. फिर क्या हुआ? मगरमच्छ का नाश्ता. उसके बाद क्या हुआ तुझे मालूम है? नहीं. उसके बाद मेरे दादाजी उसी मगरमच्छ के पुल में कूदे. फिर क्या हुआ? मगरमच्छ का लंच हो गया. हमारे दादाजी
हमारे जो दादाजी थे उन्होंने हमको ये शूरवीरता सिखाई दादा। ऐसे वैसे नहीं थे वो, उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। ए गधा है तू, वो अनारकली का मेकअप थोड़ा लाइट कर और सलीम की विग दूसरी देना। अरे मेकअप दादा की आवाज नहीं, मेरे दादा की आवाज दे। बेटा जिंदगी में लड़ते रहना, कभी हार मत मानना। हाँ मेरे दादाजी ने कहा था जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, इसलिए आज भी हम अगर शतरंज हार जाएं तो कभी हार नहीं मानते। आज भी पता है दादा खजाने की खोज में है हम, और बीरबल जो है वो खजाना लेके आता ही होगा। जापना लुट गए, जापना बर्बाद हो गए, जापना खत्म हो गए, जापना जो मत... क्या हुआ? जापना रास्ते में कुछ शरीफ लोगों ने हमें लूट लिया। बीरबल शरीफ नहीं बदमाश लोग होते हैं। नहीं वो शरीफ ही थे, मेरे मौसी के लड़के थे, मुझे पता है। या खुदा तूने सारा खजाना लुटा लिया। अरे तुझे मुझे 4-5 महीनों की पगार भी देनी थी, उसका क्या होगा? अरे नहीं महाराज आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं, मैंने उनसे 4 महीने की पगार एडवांस ले ली, आप चिंता ना करें। बीरबल जरा यहां पर आओ, एक बात बताओ, कभी तुमको किसी ने ऐसे जमीन पे लिटा के तुम्हारी नाभि में गरम तेल डाला है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज ट्राई करेंगे। सारा खजाना लुटा दिया तुमने बीरबल। महाराज आपको खजाने की पड़ी है? अरे राज्य में काल पड़ गया है, लोगों के घर पे खाने को रोटी नहीं है। अरे तो दाल बनवाओ, मालपुआ बनवाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? महाराज एक बात कहूं आपको, बुरा नहीं मानना, आप ना एक नंबर के समझदार इंसान हो महाराज। किसी को महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज इसमें बैटरी नहीं डलवाई क्या? नहीं नहीं बैटरी है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम। हाँ महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज हमने एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा है। हाँ? वो चोर हमारे महल के पीछे वाला पहाड़ तोड़ के चुरा रहा है। क्या पहाड़ तोड़ दिया उसने? उसने हमारी सेल्फी खराब की है। अरे हमारे जापना का वो खुद का पहाड़ था, यादें जुड़ी हुई थी इनके ससुर की। हाँ? इन्होंने अपने ससुर को उस पहाड़ से खुद धक्का दिया था। हाँ? क्यों महाराज? क्या बकवास कर रहे हो? अब एक काम करो, मुजरिम को यहाँ पर पेश किया जाए। मुजरिम? मुजरिम हाजिर हो। सबका बदला लेगा तेरा फैजल, बाप का, बेटे का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। किसी को जूना टी शर्ट के बदले कुछ चाहिए तो वो भी बदल के दे देगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैदराबाद औरंगाबाद। हो गया तुम्हारा? हाँ अब बताओ पहाड़ क्यों तोड़ा तुमने? दरअसल मुझे एक बीवी है जो बिल्कुल औरत नहीं लगती। क्या पना आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है हम्बल। क्या? आपकी तो 400 बीवियां हैं, एक हमारी भी रख लो, 400 एक शगन हो जाएगा। बदतमीज, बदतमीजी करते हो हम? अरे वैसे भी हम 50 साल से बस पहाड़ी तोड़ रहे हैं। तो बेटा फावड़ा उल्टा पकड़ेगा तो 50 साल ही लगेंगे ना। 50 साल से लगा हुआ हूं। दरअसल आराम से बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। दरअसल ये बात तब की है जब 1962 में मैंने ये आई स्टार्टेड माउंटेन तोड़ना चालू किया। और मेरे ख्याल तकरीबन 2 साल के बाद पहाड़ तोड़ते तोड़ते पहाड़ों के बीच से ही मैं ऐसा वर्ल्ड टूर पे चला गया। और उसके बाद वहाँ से मैं पोलैंड गया। अकबर भाई अगर आपको कभी पोलैंड जाने का मौका मिले तो छोड़िए मत। पोलैंड से मैं डायरेक्ट आ गया यहाँ पे इंडिया के अंदर। मज़ा आता है मुझे तोड़फोड़ करने, अगर मेरा बस चले
पूरे दुनिया को तोड़ के एक लेवल पे कर दूं मैं अकबर भाई, एक मौका दे दो मुझे बस। तू क्या यहाँ पे 10 का गेम खेलने आया है? तेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। ठीक ठीक कहानी बता यहाँ पर क्यों आया है? चलो बैठो फिर से बताता हूँ। मैं पहले लोगों को फाइनेंस की स्कीम समझाता था, लेकिन जब से ये GST आ गया है समझाना इतना मुश्किल हो चुका है कि इससे बेहतर वो पहाड़ तोड़ने का काम इजी लगता है सर। अरे अरे तुम्हारी तो फिल्म भी आ चुकी है, इतने पैसे आ गए हैं, फिर कहा क्यों पहाड़ तोड़ते हो? बैठे आप बैठ जाओ। बैबल बहुत बोलता है इसकी। वापस पूछो, भूल गया क्या था वो? तभी बोलता हूं मैं। अरे मैं पूछ रहा हूं कि फिल्म कर लिए, इतने सारे पैसे आ गए, फिर क्यों पहाड़ तोड़ते हो बेटा? दरअसल ये बहुत लंबी कहानी है बिरबल भाई। तो बैठ जाते। ये उस टाइम की बात है जब हमने पिक्चर की थी माउंटी द मांजन मैन। माउंटी द माउंटेन मैन, ये कौन सी चाइनीज पिक्चर करके आए हैं आप? अरे पिक्चर सुपर हिट, जोरदार पिक्चर के तालियां हो जाए। तो हमने की थी वो पिक्चर माउंटी द मांजन मैन, मांजी द माउंटेन मैन। अरे जो भी है की थी उसके आगे बता। हाँ पिक्चर करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाधम बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा, इतना पैसा यहाँ पे पैसा आते ही हमने अरे म्यूट पे चला गया इसका माइक। मैं समझ गया तुमने ये वो यहाँ पे सब उड़ा दिया और इसीलिए अब तुम्हारी आवाज चली गई है ना बीरबल? इस आदमी को अब सजा देनी पड़ेगी। रुक चाहिए भगवान के लिए इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने वो पहाड़ मेरी वजह से तोड़ा है। आप इस औरत की वजह से? हाँ। हे भगवान, अरे इस औरत का तो मुंह तोड़ देना चाहिए था तुझे, वही कहानी खत्म हो जाती। और मुंह तोड़ने की भी क्या जरूरत है, इस औरत को पहाड़ के सामने खड़ा कर दो ना, पहाड़ खुद जिल्ला छोड़ के चला जाए। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, इनको सजा मत दो वरना मैं मर जाऊंगी। तो एक काम करो बीरबल, इन दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दो। फांसी पे? हाँ। फिर इसको ले जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।